वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी बादल वालों अते समुची अकाली दल की लीडरशिप वालों श्री अकाल तख्त साहब के विखे अरदास करके जो यात्रा पंजाब बचाओ यात्रा आरंभ की गई सी वो वखो वखरे हल्कों के विच दी होंदी हुई अज हल्का पहल विच आ रही है। इसका मुख जिहड़ा मकसद पंजाब नूं बचाउण दा, क्योंकि पंजाब नूं सेंटर तो जिहड़े दिल्ली वाले ने वो लुट के दिल्ली नूं लिजा रहे हैं। आपां सारे नूं पता कि करजे की पंड दिनों दिन भारी होंदी जा रही है, इसलिए आपां पंजाब बचाउणा जरूरी है, क्योंकि नशे किन्ने वध गए। नशे भगवंत मान साहब ने कहा सी, कहिंदा वी मैं नशा चार महीने बंद करा दूँ, जे कर दूँ वो कर दूँ, बहुत कुछ करिया जो आपां नूं इस पंजाब बचाओ यात्रा दे विच जो प्रधान साहब ने साढ़े फैसले लाए ने उन्हां दे सार्थक नतीजे अपने सामने आने शुरू हो गए हैं। क्योंकि पंजाब का बच्चा बच्चा सारे कहिंदे ने कि प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी बादल की अगवाई विच असी जिहड़ी लोक सभा की इलैक्शन आ वह जित के असी श्रोमणी अकाली दल की झोली विच पावांगे। किस तरह का उत्साह देखने आम लोगों के लिए उत्साह तुसी आप देख लो भी कितना उत्साह हैगा सारे पिंडा दे विच असी जाके कदों चौंक जाके देख लो कितना उत्साह सारे। एक चीज होर पुछनी चाहांगे तुहाडे कोल कि जिहड़े उम्मीदवारां दी अजे तक अनाउंसमेंट नहीं हुई उहदा की कारण है? उहदा कारण कोई नहीं हैगा, जिहड़ी इलैक्शन आपणे उह जून 1 जून नूं हो रही आ, अजे बहुत टाइम पिया। प्रधान जी असी इलैक्शन असी ये थोड़े दिन के प्रधान जी ये सारे उम्मीदवारों का ऐलान कर देंगे। जी मुख्य एजेंडा की होगा जी लोक सभा इलैक्शन? मुख्य एजेंडा जो श्रोमणी अकाली दल का 25 साल पहला सरदार बादल साहब बड़े वो मुख्यमंत्री कर गए ने सारा पता, जिहड़ा उन्होंने विकास किया विकास का ही मुख्य एजेंडा होगा। पहला सारे फतेह बुला, वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। पंजाब बचाओ यात्रा काफ़ी लंबे समय तो चल रही है, काफ़ी हल्कों के हो चुकी है और उस तो बाद अज पहल हल्के इतने आई है। इसका मेन मकसद यही है जी, क्यों पंजाब दे विच जो हालात माड़े हो चुके हैं उसका सुधार करना। पंजाब दे सर दिनों दिन कर्जा बढ़ रहा है, नशे कोई घट नहीं रहे, बाकी कतलोगार जो इतने लुटा खुआ हो रही ने बड़ा सिस्टम गलत होया है, उस हर चीज़ की संभाल करने वास्ते पंजाब बचाओ यात्रा शुरू की है। पंजाब बचाओ यात्रा पंजाब दे विच जो सिस्टम बड़ा गलत हो चुके है उसका सुधार करने वास्ते और किसानी जोड़े मुद्दे ने उन्हों का हल करने वास्ते जोड़े बंदी सिंह ने वो अजे तक रिहा नहीं हुए,
क्यों पिछे बीजेपी के नाल थोड़ी गलबात चल रही थी भी शायद समझौता हो सके, पर बादल साहब ने बहुत ही उन्हों की सोच बहुत डूंगी सोच है, बहुत उच्ची सोच नाल पार्टी के सुझाव लेके फैसला लिया। क्यों अगर किसानों का हल हों पंजाब का हल हों बंदी सिंह रिहा होंगे उन्होंने समझौता हों, इस करके वो सारिया गलों मुख रखते हुए पंजाब के हितों मुख रखते हुए इस करके बीजेपी समझौता नहीं होया। सो इस करके अकाली दल की जो कोर कमेटी है उसने फैसला लिया है भी असी जो करांगे अपने बलबूते करांगे, और श्रोमणी अकाली दल पंजाब की खेतरी पार्टी है, इस बारे बहुत वड्डी जानकारी है कि श्रोमणी अकाली दल पंजाब बारे। सो इस करके जो पंजाब का सुधार श्रोमणी अकाली दल कर सकता है और कोई शायद नहीं कर सकता। सो इस करके जेडे सिस्टम बड़ा गलत हो चुके है, दिनों दिन कर्जा बढ़ रहा है, जां होर सारे किसानों के बड़े अत्याचार हो रहे हैं, उन्होंने सारे का हल इसी यही इको हल है श्रोमणी अकाली दल की सरकार आए ता जो सारे हल हो सकन। इन्ना कहता होया मैं खिमा का जा चुका है, वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। वाहगुरू जी की फतेह। अज असी बहुत साढ़े सत्कार जो पंजाब बचाओ यात्रा चल रही है कड़ी दे लाए तहत ही अज पैल हल्के की जिहड़ी पंजाब बचाओ यात्रा शुरू हो रही है 2 बजे, साढ़े बहुत सत्कार जो सुखबीर सिंह जी प्रधान श्रोमणी अकाली दल उन्होंने आना सी, अचानक उन्हों की रात तबीयत खराब हो गई, उन्हों की जगह पर साढ़े बहुत सत्कार जो बिक्रम सिंह जी मजीठिया साहब वो आ रहे हैं, तो असी सारा अज पैल हल्का उमड़ के सारा पैल हल्के इतने दराहे हर पैल च पहुंचे, क्योंकि जी यात्रा है श्रोमणी अकाली दल जी खेतरी पार्टी है साड़ी, तो हमेशा जो श्रोमणी अकाली दल ने विकास के काम किए होर भी डिवेलपमेंट के बड़े काम किए, जिन्हिया स्कीम ने श्रोमणी अकाली दल ने चलाईया मैं ना ना लवान सू सारे पता ही है। ये पिछे जे आम लोगों गल हो गई सी दोनों पार्टियां कांग्रेस से अकाली दल छड़ के नवा बदल लिया, अज 2 साल होए ने जिहड़ा नवा बदल देख लिया लोगों ने वो सारे तरह तरह कर रहे हैं, चाहे वह किसान ने मजदूर ने दुकानदार ने मुलाजम ने सारे वीर दुहाइया दे रहे, लॉ एंड ऑर्डर की हालत तुम देख लो भी रोज़ कतल हो रहे हैं, रोज़ गोलियां चल रही ने, लुट्टा हो रही ने बैंकों दिया लोगों दिया भी, कोई साड़ी धी भैन जी सुरक्षित नहीं है, कोई शाम को बाहर नहीं निकल सकता, इन्होंने सानू बहुत ज़्यादा जी पिछली याद है माड़े दिनों की वो याद कराती है। सो अज इस करके पंजाब उमड़े है जिथे भी सुखबीर सिंह जी बाल साढ़े प्रधान श्रोमणी अकाली दल गए हैं तो वो लोग उठ के खड़े हुए हैं, तो अज तुहाडे कोले सामने है पैल का हलका, तुहानू दिखावांगे भी कदों तो लैके अपने कदों चौंक तो लैके बल तकरीबन पैल के नेड़े चले गए, दोए पासे लाइना लगी उन्हें ट्रैक्टर दियाँ उत्थे खड़े ने, बाकी इतने संगत मोटरसाइकिल हजार की गिनती ट्रैक्टर भी पहुँचे ने, हजार ही लोग इतने पहुँचे ने इस जी यात्रा शामिल होने। सो विरोध बदल आऊगा साढ़े बहुत सत्कारयोग बिक्रमजीत सिंह जी खालसा साढ़े संभावी उम्मीदवार ने पक्का ही इस गल का सानू प्रधान जी ने इशारा करता, नौ हल्कों मीटिंग बुला के गोपा राय साहब तो मनजीत सिंह मदरीपुर भी बच्चे सन मीटिंग दे, इस करके ये जो अज सैलाब उभड़े ये बहुत बड़ा योगदान पाऊगा जी बिक्रमजीत सिंह जी खालसा जी चोन है तो हजारा दूगा जित लैके जाऊगा, इस तरह जी अगली असैम्बली की चोन आऊ मनजीत सिंह जी मदरीपुर जिहड़े कि असीं लोकल इस हल्के तो लाए ने, तो उन्हां भी लोगों ने बड़ा विश्वास प्रगट किया, उन्हां दी अगवाई जी अज सारे संगत इतने पहुंची है, इस करके यात्रा जी सफल होगी, और जिहड़े ये आम आदमी पार्टी आ इन्हां दा जनाजा निकलूगा तुहाडे सामने की हाल होना तुसीं सारे वीर जानते हो, पत्रकार वीर मेरे तो सारे बद जानते हो, तुहानूं पता की हालात ने अज पंजाब दे। तो पहला बोपारा साहब ही गल करके गए थे मेरा ख्याल 3.5 लाख तक करोड़ तक कर्जा पहुँच गया, हुण ही इन्होंने 100 करोड़ तक बचाता 2 सालों से। सो वीरो बचा लीए आप पंजाब नूं बचाईए, इन्हां लोकां तों मूँह मोड़िए, 2 साल हो गए इन्हां ने जनाजा कढ़ता पंजाब दा, सारे वीरां नूं तुहाडे मीडिया दे राहीं सारे वीरां नूं यही बेनती है भी जिहड़ी यात्रा उठो खेतरी पार्टी है साडी श्रोमणी अकाली दल तुसीं देखी हुई है बड़े लंबे समय तो 100 साल तो उपर दा इतिहास है, इसे पार्टी आप देिए बाहरलिया पार्टियां सारा कुछ नहीं करना दिल्ली वालों ने उदा दिल्ली वालों खिंचा उन्होंने, इस करके सारे बेनती है भी खेतरी पार्टी श्रोमणी अकाली दल का साथ दे के उन्होंने कैंडीडेटा जिताओ, सारे का धनवाद मीडिया वाले भीर का भी धनवाद, सारी संगत का धनवाद इतने जी पहुंची है सारे का धनवाद, वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी।
शरणजीत सिंह जी ढिल्लों साहब की अगवाई च होया सी ते मैनू लगदा सी कि इत्थे आउंदे आउंदे लेट हो गया, थोड़ी थोड़ी बैटरी डाउन ना हो गई होवे, मगर तुसीं तां सवेर वालिआं तों वी वध चार्ज आ भाई, इस लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद है। मैं लम्मी तकरीर च तां नहीं जाऊंगा, वेखो मैं एक बेनती जरूर करदा कि भाईचारक सांझ वास्ते हिंदू सिख एकता पंजाब पंजाबी पंजाबीयत वास्ते पंजाब सूबे की तरक्की वास्ते जिहड़ा पंजाब दे लोकां दा देश की आजादी वास्ते देश के संघर्ष वास्ते वड्डी कुर्बानियां ने या देश नू अनाज दे भंडार च बहुत वड्डा योगदान है, उस दा जे तुसी सत्कार करदे हो ते साथ संगत जी फिर खेतरी पार्टी छोटी अपनी पार्टी जिहड़ी पंजाब दी गल करे और पंजाबी पंजाबीयत भाईचारे नू कायम रखे और गुरु साहब दे जो साडे उन्हां दे चरणां च रोज दी अरदास है कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला, किसे एक दी नहीं हरेक दे भले दी आपां अरदास करन वाले लोक आ। और अज हालात की बने आ कि बदलाव दे चक्कर च मैनूं लगदा कि जिन्ना नुकसान पंजाब दा होया, जो अज लॉ एंड आर्डर दे हालात है या पंजाब दी इंडस्ट्री दे जो हालात है, जो किसानों के नाल बेइंसाफी हो रही है, क्योंकि यह खेती प्रधान सूबा, जे खेती प्रफुल्लित ते दुकानदार की दुकान चलू, व्यापारी का व्यापार मिलू, ते जे खेती फेल हो गई ते मजदूर नू मजदूरी भी ना मिलू। 70% लोग इत्थे खेती ते निर्भर आ, जिस तरीके नाल अन्नदाता नू दिल्ली जाण तों रोकिया जांदा, उहदे नाल बेइंसाफी कीती जांदी, उहदा सारा ही एक बहुत वड्डा खामियाजा पंजाब नू भुगतना पैंदा। और मैं गल कहना हुंदा कि भगवंत मान जिहड़ा आपदी धी दा ना ना होया, वेखो एक बेटी दा ते बाप दा एक बड़ा पवित्र रिश्ता, बेटी कदे भी आपदे बाप च कोई गलत गल नहीं वेख सकदी, उहदे लई उह रब दा रूप हुंदा, मगर जिहड़ी एक बेटी आपदे बाप नू इह गल वीडियो ते लाइव हो के कहे कि मैनू शर्म आउंदी इहनू आपदा बाप आखदिआं नू, साध संगत जी तुसीं ला लो साहब की जिहड़ा आपकी बेटी का ना हो सकिया कि पैड़ वाले कदे थोड़ा हो, कि लुधियाने वाले कदे थोड़ा हो, कि कदे पंजाब वाले थोड़ा हो, कदे दराहे वाले थोड़ा हो,
नहीं हो सकता। और मेरा वीरो जिहड़ा आपकी बेटी दा ना बनिया, मैं परसों चौथे इंटरव्यू वेख रहा सा, उस इंटरव्यू च पत्रकार सोटी करके एक उन्हें पूछ लिया फोटो विखा के कि ये कौन ये कौन, कहता ये तो मेरा भांजा ते बेटी नू पछाणन तो इनकार कर गया हो। सात संगत जी, एक तो घटिया सोच वाला मुख्यमंत्री जिहड़ा शराब पी के गुरु की हाजरी से जाए कि तुसी उहनू बंदा समझते हो फिर कि वह बंदा बख्शन लायक है जिहड़ा विधानसभा शराब पी के जाए। और मैं पुलिस वालिया ते हैरान हाँ, इतने आला अफसर आए हैं पुलिस वाले, कोई गड्डी गड्डी शराब चला के गड्डी चलाउंदा होवे जां मोटरसाइकिल चलाउंदा उहनू फड़ के थाने लै जांदे। मैं पुलिस वाले वीरां नूं पुछना चाहुंदा, पंजाब चलाई जांदा तुसीं हले तक इहनूं फड़दे नहीं, ये मार दो सारिआं नूं, लै डुब्बो आ दराहे दरिया च, सिर तू सारे पंजाब नूं, हालात वेख लो। कल हरियाणे गया, परसों दिल्ली गया सा, और उत्थे राहुल गांधी नाल गल वकड़ियां, सोनिया गांधी जी नाल, कहिंदा थोड़ी कुर्बानी बड़ी है। सात संगत जी, जिहदा अलायंस कांग्रेस नाल हरियाणे च पंजाब च देश च होया, कि तुसी मन सकते हो कि कांग्रेस का आप का अलायंस इत्थे नहीं होया? भावे वोट कांग्रेस नूं पा दिओ ते समझो झाड़ू नूं पाती, जे झाड़ू नूं पा दिओ ते समझो पंजे नूं पाती। वैसे तो हिमाचल वाले लोग सियाणे आ, गया सी वोटां लैण, एक फीसदी वोट पाई, एक फीसदी, ते जिहड़ी कारपोरेशन दी मुड़ के इलैक्शन हुई, किसे चो चार निकलियां किसे चो पंज निकलियां। वेखो पंजाबियों, खुद मुख्तारी की गल करन वाले, अज रिमोट कंट्रोल ते चलदा पंजाब, स्कूल तां नहीं खुले, कॉलेज तां नहीं खुले, मगर कहते शराब की खपत बड़ी वधाती पंजाब। सुभाविक है, जो मुख्यमंत्री ने सवेरी पैग ला लेना तो खपत आपे वग जानी, शायद सारी समझ लग गए कि मुख्यमंत्री का कराने का तरीका ही यह काम, पैग ला लो तो शायद काम हो जू। सत संगत जी, खाधी पीती च तो बहुत नुकसान हो जाता, इसलिए कृपा करो, सवारी आपके समान लिए आप जिम्मेवार है, होगी गलती होगी। अरे एडा खतरनाक बंदा है, दिन च तो यह समझौता कांग्रेस नाल, रात को यह समझौता भाजपा नाल। सात संगत जी, आ किसान शुभकरण प्रीतपाल से गोली बची है, शुभकरण ने प्रीतपाल को भन छड्या, हाई कोर्ट को कहना पिया कि जिन्हों गोली लगी वह कितने लभ्या, पंजाब की धरती से परचा क्यों नहीं दर्ज होता। लॉ एंड ऑर्डर के जो हालात है, जो जेलों चो तो फोन आते हैं, वो गीत सुनते सी कचहरिया च लगन के मेले, हूँ कचहरी तो छोड़ो, हूँ तो लारंस बिश्नोई का सीधा ही फोन होगा, तो जाके हाईकोर्ट कहता मैनू नहीं पता कितों इंटरव्यू होगी। जो ये जे हालात बन जाते, कोई महफूज है, कोई हालात है पंजाब के, इसलिए मैं थोनों ये रिक्वेस्ट बेनती लैके आया, ठीक है कमी पेशी साढ़े च जरूर होनी, मगर जो पंजाब की तरक्की, जो पंजाब की भाईचारक सांझ वास्ते, जो बादल साहब की सोच सी, या गरीब वास्ते, खेत मजदूर वास्ते जो स्कीम सरदार प्रकाश सिंह जी बादल ने चलाईया, अज तक वो स्कीम चलती, क्योंकि वो लोक पक्षी स्कीम सन। इसलिए जे कैप्टन साहब के घर घर नौकरी का नारा ला गए, ये आया है प्यो का पुत कहता गोरे आके काम करया करनगे, मैनू लगता दुकाना च तो गोरी काम करते हो, मैं गोरे आने का की सी, आपके न्याणे भेजते अमरीका। इसलिए प्रभो ये गलों को बच जाओ, नुकसान पंजाब का है। और जिहा फैसला हिमाचल सूबे ने किया कि झाड़ू का तीला तीला खिलाफ छड़िया, और इतों का एम एल ए मैं जिनी घट गल करा, जिन्ने ने ना जी वह है तो इन्हों की रोज खबर आ जाती है, ये तो फोन फान घट ही देखा करो, इन्हों की वीडियो भी बड़ी गंदिया गंदिया खतरनाक होनी है, वेखन वाली नहीं है, बंदा कोई चंगा नहीं, मारे हरकत वाले बंदे ने। हाँ जी, हाँ जी, आए काम जरूर किया। मैनू कई पुछते हैं कि कहड़ी गरंटी यदि कामयाब हुई है,
ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋਹਰੇ ਦੋਹਰੇ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਟੜ ਬੇਈਮਾਨ ਕੱਟੜ ਧੋਖੇਬਾਜ ਕੱਟੜ ਚੁਮਲੇਬਾਜ ਕੱਟੜ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੱਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਔਰ ਹੋਏ ਹਰ ਫੋਟੋ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਤੂੰ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਟੱਪਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਮਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਮਾੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਹੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦੋਤੀ ਸੀ ਜਹੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਘਰ ਦੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਕਹਿਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਢਿੱਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਬਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਤੂ ਜਿਹਾ ਦਿੱਲੀਓ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਿੱਕੂ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਰਗੜਦਾ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਨਿੱਤੂ ਜਿਹਾ ਸੀ ਹੋਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੈਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਇੱਦਾਂ ਰਲਿਆ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਨਾ ਪਾਵੇ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਮਜੀਠੇ ਦਾ ਵਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਹੱਥ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾ ਦੂੰ ਚੀਕਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਜਿਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਕਰ ਦੀ ਲੱਲੂ ਕਰੇ ਕਵੱਲੀਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਥੋਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਚੀਕਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਉਹ ਜੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਖਾ ਅੱਜ ਵਪਾਰੀ ਔਖਾ ਅੱਜ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਔਖਾ ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਔਖੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਔਖੇ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਬਟਨ ਨੱਪ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜਾਂ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਕਰਾਓ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Thank you.
सरदार दर्शन सिंह जी रोहणी साहब, सरदार चीना सरपंच जी बेर खुर्द दे, सरदार शमिंदर सिंह जी सियोड़ा, सरदार अमरजीत सिंह जी मांग्याल साहब, सरदार लक्की सरपंच रोहणी तो, सरदार मालविंदर सिंह जी लाडी पिंड पल्ला तो, अमृतपाल सिंह भरथड़ा, डीपी रोहणी जी, सरदार दर्शन सिंह जी प्रधान साहब, सरदार बूटा सिंह जी रोहणी साहब, जरग सबका सरपंच सरदार जतेंद्र सिंह जी, भाडिया तो भी सरपंच साहब आए ने, सन्मान करना मजीठिया साहब का, उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सरदार दर्शन सिंह जी तुम भी मिल लो प्रधान साहब, सरदार दर्शन सिंह जी रब्बो साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। समुची संगत के चरणों में बेनती है, कृपा करके तुम वही गिनती सन्मान किया, प्यार दिता, थोड़ा सारे का कोटान कोट धन्यवाद। सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया का स्वागत किया जा रहा, बोले सोन हो, बोले सोन हो, सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया साहब का निघा स्वागत जा रहा पिंड सियोड़ा, सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया साहब का, सरदार प्रेम सिंह जी वालों भी बहुत वही गिनती, इतने संगत इकट्ठा किया गया, सारे संगत का बहुत बहुत धन्यवाद, सारे संतों का सरदार प्रेम सिंह जी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये सारा काम किया।